नमस्कार दोस्तों, बरेली में रहते हो? मेरा नाम है वेदांत, मैं रहता हूँ कानपुर में। यहाँ हॉस्टल लेकर रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का कम शौक है, इधर उधर की वीडियो बनाने का ज़्यादा शौक है। तो आजकल अभी लॉकडाउन है तो घर में ही बैठे हैं। तुम भी बैठे ही हो, आए हो? नहीं बैठे हो तो बैठो आराम से, हाथों को सैनिटाइज करके मास्क वास्क लगा के अपना भी ख्याल रखो और घर वालों का भी ख्याल रखो। और इस वीडियो की अगर बात करें तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ बरेली के डिफरेंट डोसा आउटलेट्स। मैं एक प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ, क्योंकि हाँ एग खा लेते हैं केक में, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। और मैं प्योर वेजिटेरियन इंसान हूँ तो मुझे डोसा खाने का काफ़ी शौक है, काफ़ी ज़्यादा। डोसा, इडली, साउथ इंडियन कुज़ीन मुझे पसंद है। इसलिए मैंने डिसाइड किया, जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो मैंने डिसाइड किया कि बरेली के डिफरेंट डोसा आउटलेट्स ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे 3 साल हो गया कानपुर से यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक मुझे कहीं बढ़िया ऑथेंटिक डोसा नहीं मिला था। तो अप्रैल के महीने में मुझे सनक सवार हो गई, जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब, कि चलो डोसा ट्राई करते हैं। लोकल बरेली का लोकल बंदा था, उससे मैंने पूछा कि भाई बरेली का बढ़िया डोसा कहाँ मिलेगा। तो उसने मुझे जो बताया, वहाँ मैं गया। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो देखी, तो उसमें उन्होंने दिखाया गढ़वाल डोसा कॉर्नर। वहाँ मैं अभी तक नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ जब जाने का डिसाइड किया तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन बहुत जल्द मैं वहाँ भी जाऊँगा। और मैं कहाँ कहाँ गया सबसे पहले आप ये जान लो। सबसे पहले डीडीपुरम में वेस्टल रेस्टोरेंट है, नंबर वन। नंबर टू है दिल से फूडी। नंबर थ्री है सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पर एक ठेला लगाता है, मतलब बढ़िया स्ट्रीट फूड बनाता है। और नंबर फोर इस दिल से फूडी के सामने एक और ठेला लगाता है, वो भी बढ़िया है। नंबर फाइव में है ये अपना दीपक स्वीट्स, एमजेपी आलू गेट के सामने। नंबर सिक्स में फिनिक्स मॉल के सामने, डोसा दरबार नाम से। इस व्लॉग को एंड तक देखो, मजा आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुकर की आवाज़ आ रही है? हाँ, सामने वाले घर से आ रही है। चलो थोड़ा, अभी माइक नहीं खरीदा है ना इसलिए। और प्लीज सेफ रहना घर पे अपने अपने। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल, जिसका नाम है रियल वेदांत। मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बरेली का फूड ब्लॉग नंबर 5। ब्लॉग नंबर 3 जो था वो था बरगास्ता का, जो कि अब तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और सबके मैंने वीडियो शॉर्ट में अपलोड कर दिए हैं। अब मैं आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ कि मुझे कहाँ का डोसा बेस्ट लगा और कहाँ का वर्स्ट लगा। 6 अलग अलग जगह डोसे ट्राई किए। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है इस लिस्ट में वो है डीडीपुरम में दिल से फूडी नाम का ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे डोसे की कीमत है मात्र 70 रुपये। और इसकी खासियत मुझे ये लगी कि इनका जो सर्विंग पैटर्न है ये एकदम बायोडिग्रेडेबल, के बाउल में और लीव्स के पत्ते में आपको सर्व करेंगे और काफ़ी आपको मज़ा आएगा। टेस्ट इनका लाजवाब है और 70 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी को मैं इनको पूरे मार्क्स दूंगा, 5/5। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की, तो वो है वेस्टल डोसा, जो कि सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पर है। वहाँ मैं अपने 4 दोस्तों के साथ गया था और यहाँ पे डोसे की कीमत थी 120 रुपये। टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक था, बिल्कुल रियल डोसा जैसा। यहाँ पर एक दोस्त ने बर्गर खाया था जो कि 70 रुपीज़ का था, उसका भी टेस्ट बढ़िया था। फिर नंबर 3 की बात करें तो अपना आता है दीपक स्वीट्स, MJPRU मेन गेट के सामने। यहाँ के मैं पहले भी 2-3 ब्लॉग्स डाल चुका हूँ, नहीं देखा है तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। और इसकी कीमत थी 70 या फिर 60 रुपये, हमको याद नहीं है सही से। उसके बाद आते हैं सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पे। यहाँ की अगर बात करें, यहाँ का भी एक नंबर था डोसा, बिल्कुल इसी का फोटोकॉपी था। दिल से फूडी के सामने की तरफ एक और ठेला लगाता है, ये वाला जो राइट हैंड साइड में, वो दोनों का ही सेम नाम है, मद्रासी डोसा कॉर्नर। उसके बाद अब बात करते हैं जिस डोसे की वजह से मुझे गाली सुननी पड़ी। मेरे एक दोस्त सीतापुर का था, उसने मुझे बताया कि फिनिक्स मॉल के सामने जाओ, बहुत ही बढ़िया डोसा मिलता है वहाँ। तो हम मुंह उठाकर अपने एक और कानपुरिया दोस्त को लेकर पहुँच गए थे वहाँ। और कानपुर का दोस्त था वो, तो उसने मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि मैं बढ़िया जगह ले जाऊँगा, लेकिन जहाँ मुझे भेजा बिल्कुल बिलो एवरेज डोसा। हो सकता है उस दिन ना अच्छा बनाओ, अगर अगली बार आप कभी जाना वहाँ पर फिनिक्स मॉल की तरफ, उसके सामने ट्राई करना। अगर आप भी बरेली का ऐसा कोई फूड स्टॉल या फूड पॉइंट या स्ट्रीट फूड जानते हो जहाँ बढ़िया मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को यहाँ तक झेलने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।